गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, बुक नेम भारत और समकालीन विश्व, भाग नंबर 1। लेसन नेम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आप इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं कि इतिहास में 1789 से पहले गरीब इंसान कोई भी था उसके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। काम करवाया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी, बंधुआ मजदूर थे। लेकिन रूसी क्रांति होने के बाद थोड़ा थोड़ा समाज में परिवर्तन आना शुरू हुआ। उदारवादी लोग, रूढ़िवादी लोग और परिवर्तनशील जो लोग थे समाज के, उन्होंने थोड़े से समाज में परिवर्तन की अपेक्षा करनी शुरू कर दी। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में सभी की भागीदारी, और इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति हुई है कि उस वक्त लुईस या राजा महाराजे या छोटे छोटे जो प्रांत थे उन पर शासन और व्यवस्था होती थी। वोट का अधिकार तो कहीं था ही नहीं, लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो ये सामाजिक परिवर्तन का युग हुआ। आपने इतिहास में पढ़ा कि भारत में भी बहुत से सामाजिक परिवर्तन राजा राम मोहन राय से शुरू हुए, चाहे वो सती प्रथा का बंद होना, बाल विवाह का बंद होना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्महंस, चाहे वो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारे ही परिवर्तनशील समय था जिसमें अनेक प्रकार के सुधार हुए। यूरोप का मतलब जिसको इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे जो विकसित देश हैं, कहते हैं उदारवादी रेडिकल होता है परिवर्तनशील, जो परिवर्तनवादी होते परिवर्तन चाहते हैं, और रूढ़िवादी अभी भी जो अपने दकियानुसी विचार संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते, वो रूढ़िवादी लोग होते हैं। उदारवादी जो समय के साथ परिवर्तन कर देते हैं। कहते हैं कि मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे ये पूरे जो इस प्रकार के लोग थे। उदारवादियों के विपरीत लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। आज भी है वर्तमान में, अमीरों के पास कानून होता है, अमीरों के अपने अधिकार है, लेकिन बहुत सा सुधार हुआ। लेकिन उस जमाने में तो जैसे अश्वेत लोगों की कॉलोनियाँ अलग होती थी, उनके स्कूल्स अलग होते थे, विशेष बस में वो यात्रा नहीं कर सकते थे, और अश्वेत लोग अंग्रेज़ों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। समाज में बहुत बड़ा भेदभाव था उस जमाने में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। टकराव तो अंडरस्टूड है कि सभी लोग बैठेंगे कि परिवर्तन किस प्रकार किया जाए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का उद्यक था, यानी कि अब जो मजदूर था वो भी अपने अधिकार मांग रहा था। अधिकार का मतलब उसके काम के घंटे निश्चित किया जाए, उससे पहले काम के घंटे निश्चित ही नहीं थे। चाहे 24 घंटे काम लिया जाए, 20 घंटे काम लिया जाए, 18 घंटे काम लिया जाए, बंधक बनाकर भी काम लिया जा सकता था, पूरे परिवार को बंधक बनाया जा सकता है। कहता है औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब सबसे पहले इंग्लैंड में, आप अपने बुज़ुर्गों से और आसपास देखेंगे कि जैसे दरियाँ थी वो हाथ से बनता था, कपड़ा भी हाथ से बनता था, बहुत सी चीज़ें आपने अपने घरों में चरखा देखा होगा, इससे अनेक प्रकार की चीज़ें बनती थी। अब क्या था कि ब्रिटेन के अंदर जो हथकरघा उद्योग था वो नष्ट हो गया, और अब एक उद्योगों में ये कार्य होने लगा। अब आप गांव में देखेंगे, यदि 20-30 साल पहले मशीनरी नाम की कोई एक दो इक्को दुक्का गाड़ियाँ होती थी, ट्रैक्टर भी गांव में एक या दो होते थे, आज घर घर में ट्रैक्टर है, घर घर में बिजाई की मशीनें हैं, ये औद्योगिक क्रांति के कारण ही संभव हो सका है। सबसे बड़ी चीज़ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 19वीं शताब्दी मध्य लंदन के गरीबी की दशा उस समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से, यानी कि ब्रिटेन आज जो विकसित देश है जहाँ पैसे की कमी नहीं है, 19वीं शताब्दी यानी जो शुरू हुई थी 100 साल पहले की बात करें तो ये हालात जो आज भारत में है वो आप ब्रिटेन में देख सकते हैं। यानी कि ये आपका एक मजदूर आश्रय स्थल हो सकता है कि जहाँ खाने वाने की व्यवस्था की जा सकती है, परिवार के रहने की व्यवस्था नहीं है। तो ये वाला पाठ आप पढ़ेंगे
तो औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से लाखों करोड़ों लोग जो हाथों से रोजगार मिला था वो बेकार हो गए, गाँव का रोजगार समाप्त हो गया। और ये रोजगार के पलायन के लिए 19वीं शताब्दी में ही लोग शहरों में आकर बसने लगे, शहरों में गरीब बस्तियां हुई जो निरंतर अब तक जारी है, जिसको हम स्लम्स एरिया बोलते हैं, झुग्गी झोंपड़ी इलाका बोलते हैं। जो पलायन पूरे देश में, पूरे संसार में गाँव के लोग रोजगार के लिए किसी न किसी प्रकार के शहरों की ओर अभी तक आकर्षित इस औद्योगिक क्रांति के कारण हो रहे हैं। तो पूरे पाठ को आपने पढ़ना है। यूरोप में समाजवाद का आना, नेचुरली गरीब अमीर जिस प्रकार हमारे संविधान बना 1950 में, तो ये ख़ासतौर पे यूरोप में इससे पहले सुधारों की ओर प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी भी वो समाजवाद नहीं है। आप यदि टीवी में 5 मिनट के लिए देखेंगे कि अमेरिका में एसवेतो ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रखा, केवल अमेरिका में नहीं यूरोप के बहुत से देशों में, क्योंकि अभी भी उनके पास वो अधिकार नहीं है जो अंग्रेज़ों के पास, श्वेत लोगों के पास है। हाँ, समाजवाद की नींव जो थी वो 19वीं शताब्दी में पड़ी, और अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे समाज जागरूक होगा, जिस प्रकार की आप एजुकेशन लेंगे, समाज में भेदभाव को देखेंगे, आप लोग न्यूली जनरेशन आवाज़ उठाएंगे, उसी प्रकार समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आते रहेंगे। धन्यवाद। ओके।